नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये भूत पे गुस्सा करके भूत को भगा देती है। अब भूत वापस आ भी जाती है तो ये भी कहती वापस आ गई। भूत भी कहती आपसे दूर कैसे जाऊं। तो जो सुनते ये भी कहती हाँ लेकिन मैंने तुझे बोला था कि शव क्यों उसके बंदों पे नजर रख। तूने नजर भी रखी, तूने ये भी बोला, उनको कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन तो भी उन्होंने कमांडर को पकड़ लिया। तो मुझे एक काम मतलब मुझे एक बात यहाँ पे बता, जो बाकी नाइट वॉचर्स है उनका क्या, शायद उन पे तूने नजर रखा होगा, उनको सबूत मिली होगी। ये भी कहती कि आपने बोला था इन तीनों पे नजर रखो, मैंने बस इन तीनों पे नजर रखा, बाकियों पे मैंने नजर नहीं रखा, तो बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके दिमाग में भी आता है बाकी बंदे उतने अच्छे भी नहीं है, उनको सबूत मिल ही नहीं सकता, सबूत खाली शव क्वेन को मिल सकता है। और भूत ने बोल दिया कि शव क्वेन के पास सबूत यहाँ पे नहीं है। तो फिर कहीं वो कमांडर को पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है बस कमांडर को पकड़ लिया उसके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा देंगे। नहीं नहीं यार, वो गवर्नर उनकी टीम को लीड कर रहा है, गवर्नर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। सुनो यार सोल्जर जल्दी से आगे आओ, एक सोल्जर आगे आता है तो ये ऑर्डर देते, सुनो हमारी जो भी टीम है ना उनको सिटी के अंदर पहुंचा दो, हम गवर्नर से जाके जल्दी मिलेंगे और भूत तुम्हारी तुम भी आओगे हमारे साथ। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है। अब आते भाई गवर्नर की ओर जहाँ पे बोला जाता है कि वाह यार तू कितना बुरा कितना कमीना आदमी है, तू जो क्यू आई पार्टी के लोग मिल कह रहे वीच के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया और जो लुटेरे यहाँ पे थे ना लुटेरे को मिलिट्री सप्लाई यहाँ पे दिया, शर्म आनी चाहिए तुझे, काय को किया ये सब करके तुझे काय फायदा मिलेगा। जो सुनते वो भी कहता भाई मैंने नहीं किया, मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमारा शव क्वेन कहता है तो हर माई के अब तो सच बोल दे झोपड़ी के, अभी भी तुझे बोलने को यहाँ पे नहीं होता क्या, पूरा एक्सपोज हो गया, पूरा का पूरा नंगा हो गया है। वो भी कहता भाई सबूत ना, वो बुक मिला है ना, बताओ किसने बुक यहाँ पे ढूंढा है। मनी मन सोचता है शव क्वेन ने, बच्चा मुझे याद हो जो ली मियाओ यानी नंबर टू है ना उसने मुझे शव क्वेन के बारे में कहा था, बड़ा चलाक बंदा संभल के रहने का, तो मैंने भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, लेकिन भाई कहीं इसने मुझे एक्सपोज ना कर दिया रहे। वो सामने से कहता शव क्वेन मैं नहीं था, मैंने बुक के बारे में पता किया। तो कमांडर कहता वाओ ली मियाओ ने कहा भी था तेरे बारे में कि तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, मैंने नहीं किया बस हल्का सा मेरा ध्यान नहीं रहा और तूने तो भाई मेरी कह के ले ली। अपना गवर्नर भी देखते कि वाह मैं गवर्नर यहाँ पर हूँ, लोग ऐसा कहते गवर्नर की टीम आई है, ज्यादा क्रेडिट मुझे मिलता है लेकिन जो ज्यादा काम है ना वो तो शौकियन यहाँ पे किया जा रहा है। और फिर जो कमांडर हमारे मैं कटो यहाँ से देखता तो पता चलता है स्पिरिट रिफाइनिंग लेवल, अरे वाह यार तू तो स्पिरिट रिफाइनिंग लेवल पे जाने वाला है। हमारा शौकियन भी लाइक ओ माय गॉड यार सबको आइडिया, सबको आइडिया कि मैं कितना कमाल का कल्टिवेटर हूँ, बस पता नहीं कुछ लोग यहाँ पर है जिनको लगता है मैं एकदम ठरकी नीच गिरा हुआ और अश्लील आदमी यहाँ पर हूँ। और बाद में वही पूछताछ यहाँ पे किया जाता है, बता भाई तू भी क्यू आई पार्टी का मेंबर यहाँ पर है ना। जो संदो भी कहता नॉट रियली, मैं नहीं कह सकता क्योंकि जो मेरा अब्बा जान है ना, मेरे अब्बा जान क्यू आई पार्टी के मेंबर यहाँ पे थे, वो मिनिस्टर वार्ड थे अपने टाइम के। हमारा शौकियन भी लाइक इसका क्या मतलब हुआ, नेपोटिज्म क्या। गवर्नर भी कहता है कि नहीं नहीं यार ये बॉलीवुड यहाँ पर नहीं है जहाँ पे इतना नेपोटिज्म चलता हो, ये इसका बाप है ना मिनिस्टर ऑफ वॉर यहाँ पे था, और जो क्यू आई पार्टी थी ना उसका भी एक मेंबर था, उसका भी एक मिनिस्टर यहाँ पे था, बाद में काफी टाइम हो गया अब शायद इसका बाप रिटायर हो गया है और ये भी यहाँ पर आ चुका था और ये भी मतलब एक मिनिस्टर बना था छोटा सा। ये भी कहता है इसमें छोटा सा मिनिस्टर यहाँ पे था, 10 साल तक है ना मैंने फाइट किया, मैंने स्ट्रगल यहाँ पे किया, मैंने जंग यहाँ पे किया, तो जाके मेरे ओहदा यहाँ पे बढ़ा दिया गया और मेरे को जो यूज हुए ना इस एरिया में ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया गया कि चल बेटा तू यहाँ का कमांडर बन जा, तो तब से मैं कमांडर बन के यहाँ पे रह रहा हूँ। हमारे में कट अभी लाइक 10 साल का टाइम इसने लगाया था, वाओ। सामने से वो भी कहते हैं मैंने 10 साल मेहनत किया तो जाके मैं कमांडर यहाँ पे बना। रही बात जो तुम कह रहे हो कि क्यू आई पार्टी के बंदे लोग के साथ मिलके मैंने पहले बीच लोग के साथ हाथ मिलाया और तो जाके लूटे लोग को मैंने सप्लाई यहाँ पे दिया वेपन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठा इल्जाम है मेरे ऊपर यहाँ पे लगाया जा रहा है। तुम ही सोचो यार मैं कमांडर हूँ पूरे एरिया का, अगर मुझे सच्ची में ये लोग पसंद नहीं है इनकी बैंड बजानी है तो लूटे लोग के साथ मैं हाथ काहे को मिलाऊंगा, मैं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा, यानी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो अपने शव को उनको पूरा विश्वास था कि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भाई जो किमना का जब तुम पकड़ लो वो सच्चाई नहीं बोलेंगे, वो अपना कभी भी गुनाह नहीं मानेंगे, तो ये भी अपना गुनाह नहीं मान रहा। गवर्नर भी कहता यार अब तो सच्चाई बता दे यार, बता दे तेरे साथ और कौन कौन बंदा मिला हुआ है। ये भी कहता मेरे साथ और कौन कौन बंदा मिला हुआ है, यार मेरे साथ और कोई बंदा नहीं मिला, देखो मैं मानता हूँ कि मैं क्यू आई पार्टी के लिए काम करता हूँ, उनके लिए इन्फॉर्मेशन लाने देना, सप्लाई सामान यहाँ पे करना, लेकिन जो ये ना भाई क्या बोलते हैं ये लुटेरों को वेपन यहाँ पे देना और वीचेस लोग के साथ मिलना, यार ये वाला काम मैंने बिल्कुल नहीं किया। गवर्नर भी कहता है शव क्वेन यार ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। अपने शव क्वेन भी कहते यस पूरे एरिया में कोई बंदा जो कि इतना आसानी से सामान सप्लाई कर सकता है गुंडे लोग को वो तू ही यहाँ पर है, इसलिए झूठ यहाँ पे मत बोल, यार बता दे यार ऐसे भी तू एक्सपोज यहाँ पर हो गया है। वो भी कहता भाई मैं कितना बोलूँ कि मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, मैं क्यू आई पार्टी को मानता हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ, बस यही बात यहाँ पर है। उनके लिए भाई मैं लुटेलों को सामान सप्लाई नहीं करता, मुझे सारी बातें समझ आ रही है, ये जो क्यू आई पार्टी है ना उनका कोई इंपॉर्टेंट मेंबर वो लुटेले लोग के साथ मिलकर उनको सप्लाई देता है और मैं भी उनके लिए काम करता हूँ ना, तो सालों ने भाई पक्का दिमाग लगा के मुझे फंसा यहाँ पे दिया है और मुझे भी आइडिया लग चुका था, मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा था कौन यहाँ पर है लेकिन मैं पता नहीं कर पाया, उससे पहले भाई तुमने मेरे ऊपर ही
इल्जाम लगा दिया। हमारा शौकियन जो पीछे एक था स्कॉलर, उससे पूछता बताइए सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जो सुनते उस स्कॉलर कहता है कि शायद शायद ये सच बोल रहा है। हमारा शौकियन भी लाइक शायद क्या मतलब शायद भाई कन्फर्म बोलना सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो भी कहता है कि मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता यार, क्योंकि यार पहली बार जो लेवल है ना हमारा लगभग बराबर है। जो तुमसे लो लेवल का बंदा है ना उसके तुम सच्चाई या झूठ एकदम सच्ची तरीके से पता लगा सकते हो। प्लस ये गवर्नर जिस टेक्निक की प्रैक्टिस करता ना उससे उसकी जो आत्मा है बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो सामने वाले बंदे की आत्मा का स्ट्रांग यहाँ पर हो तो टेक्निक भी उतने अच्छे से काम नहीं आते। तो हम 100% नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पीड रिफाइन लेवल पे चल जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता भाई दुनिया कोई भी स्पीड रिफाइन लेवल का बंदा अपनी टेक्निक से पता लगा सकता है, क्योंकि भाई आप सबसे कमाल के स्पीड रिफाइन लेवल के बंदे बनोगे। उसके अलावा जो आर्टिफैक होता है वो आर्टिफैक भी बाई चांस पहन लेते हैं ना तो पता नहीं चलता। याद है पीछे उस बॉस ने भी यहाँ पे पहना था, हाँ लेकिन हमने पता किया इसके पास कोई भी आर्टिफैक नहीं है। इसके अलावा एक और रीजन आता है, जो बीच लोग ना वो सपने में जाके बंदों की जान निकाल सकते हैं, वो माइंड को कंट्रोल करके ना जो मेमोरी है ना मेमोरी के अंदर भी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो हो सकता है इसकी भी मेमोरी यहाँ पे चेंज कर दी गई होगी और इसको यहाँ पे कुछ याद नहीं है, ऐसा भी होता है। हमारा मेकर डबी लाइक है ऐसा भी होता है क्या? सॉन्ग जी एंग बताते यस ऐसा भी यहाँ पे होता है। लेकिन जो हाई लेवल के रहते हैं ना यार बीचेस, खाली वो लोग ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। ये लोग भी कहते हैं यस वो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के भी चांसेस है। हमारा मेकर डबी सोचता है यार सच्ची में अगर ऐसा हुआ है इसकी मेमोरी में चेंजेस कर दिया है तो पता करके कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। वैसे में तो भाई ये जो था ना भाई सॉन्ग या फिर और बड़े बड़े हाई लेवल के स्कॉलर उनको मंगवा लेता, ये छोटे मोटे स्कॉलर को मंगवाते नहीं। इन छोटे मोटे को मंगा के तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर सामने से कमांडर कहते देखिए अभी अगर आपको भी विश्वास नहीं है तो बिल मुझे छोड़ दीजिए, मैं लिख के बोलता हूँ भाई जो मेन गुनहगार है ना मैं पकड़ने में हेल्प यहाँ पे करूंगा। हमारा शौकन कहता भाई तुझे क्यों लगता है कि हम तुझे छोड़ देंगे और तू मेन गुनहगार नहीं हो सकता है, तू ही हो सकता है, हमको तो तेरे पे विश्वास यहाँ पर है, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब आते कुछ समय बाद उस घर के अंदर जिस घर के अंदर हमारे सारे बंदे लोग थे, बाहर है ना दो गाड़ियाँ पे बॉडी गार्ड का काम कर रहे थे और 8-8 घंटे की शिफ्ट है, पहले 8 घंटा तू करना बाकी 8 घंटा तू करना। वो लोग आपस में बातचीत करते कि भाई ये यूज हुआ सच्ची में काफ़ी बेकार एरिया है, कितनी ठंड यहाँ पे लग रही है, रात में गार्ड का काम यहाँ पे मिल गया है मेरी तो गुल्फी जम जाएगी। लेकिन मिस्टर शौकीन कितने कमाल के, अभी कुछ ही दिन हुआ रहेगा और देखो भाई ये केस कितना आसानी से कितना कम टाइम के अंदर उन्होंने सॉल्व यहाँ पे कर दिया। जो सुनते दूसरा टीममेट भी कहता भाई शौकीन कमाल के ही है, मैं जब कैपिटल सिटी में था ना मैंने तो ही उनके बारे में काफ़ी बातें सुनी थी। याद है धमाके वाला केस जो लगभग नामुमकिन था वो भी इन्होंने सॉल्व यहाँ पे कर दिया। ये जैसे वापस लौटेंगे ना देखना इनका नाम बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मैं भी इनके साथ आया, मैं भी इनका गार्ड यहाँ पे था तो भाई मेरा भी नाम यहाँ पे बढ़ेगा कि देखो शौकीन का गार्ड। तो दोनों आपस में बातचीत करके बड़े खुश यहाँ पे थे। उतने में जो ली मियाँ होती नंबर 2 वो आ जाती है और जैसे आती गार्ड भी कहता है कौन यहाँ पर आया है, तो ये भी कहती है हेलो यार मैं यहाँ पर आई हूँ तो प्लीज मुझे अंदर जाके गवर्नर से मिलने का मौका दीजिए। तो अंदर से आवाज आती कि भाई जल्दी से उसको अंदर ले लो, तो ये भी अंदर आ रही थी और रास्ते में जो भूत है ना हल्का सा डरी हुई थी तो ये कहती भी क्या हुआ तू डर काहे को रही है। ये कहती वॉरियर्स यानी जो वॉरियर्स सोल्जर्स है ना उनको देख के मुझे बहुत ही बेकार लगता है, देखते एकदम गुस्सा और डर लगने लग जाता है, टेंशन मत लीजिए अंदर 2 नाइट वॉचर्स है, वो दोनों मेरे प्यार में इतने गिर गए कि मैं क्या बताऊं। अंदर यहाँ पे जाती है कहती है हेलो यार नमस्कार मुझे बताओ आपके पास क्या सबूत है जो आपने हमारे कमांडर को पकड़ लिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।